मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। आगे बढ़े। शराब एक वस्तु हुई जो हमारे आहार में फिट नहीं बैठती। दूसरी वस्तु जो आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म करे, उसमें दूसरे पॉइंट पर है कॉफी और चाय। शराब को बहुत ही भड़काती है पित्त को, कॉफी और चाय भी पित्त को भड़काता है, लेकिन शराब से थोड़ा कम। नींबू की शिकंजी से तो कई गुना ज्यादा। तो अब मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब आपकी संस्कृति और प्रकृति में चाय और कॉफी भी संभव नहीं है आहार के रूप में। फिर और थोड़ा आगे चलें, और कौन सी गर्म चीजें हैं जो आपके शरीर को एक लिमिट से ज्यादा गर्म करती, जो रोज जीवन में आप इस्तेमाल करते? मिर्च मसाला, बिल्कुल सही कहा। मिर्च और मसाले ये पित्त को जरूरत से ज्यादा गर्म करते हैं। तो तीसरी चीज आप ध्यान रखिए कि आपकी जो प्रकृति है और संस्कृति है उसमें ज्यादा मिर्च मसाले नहीं। लाल मिर्च हमारी प्रकृति में कहीं भी नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं, तो कम से कम लाल मिर्च को तो विदा कर दीजिए। आपको मालूम है ये लाल मिर्च पुर्तगाली आए हमारे यहाँ, बोला पुर्तगीज लोग, हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ काली मिर्च है, और लाल मिर्च भोजन से निकल जाए तो और भी अच्छा। कौन सी ऐसी चीज है जो रोज के जीवन में है? जी फास्ट फूड बिल्कुल सही बात है। जो फर्मेंटेड ज्यादा है वो गर्म बहुत करेगा। और मैंने आपसे कहा पाव रोटी है, फास्ट फूड का मुख्य आधार पाव रोटी है, तो पाव रोटी फर्मेंटेड है। फर्मेंटेड कोई भी चीज आप खाएंगे तो आपके बॉडी टेम्परेचर को बहुत इंक्रीज करने वाला। तो ये जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड में पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब कुछ, इसको फास्ट फूड ना कहें, यूरोपियन फूड कहें, क्योंकि फास्ट फूड तो भारत में भी है। फास्ट फूड का हमारे यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है, जल्दी पचने वाला भोजन। सबसे अच्छा है खिचड़ी, वो बहुत फास्ट फूड है। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में फास्ट फूड की जो डेफिनेशन है ना, आसानी से जल्दी से पचने वाला भोजन, उसमें नंबर एक पर खिचड़ी है, नंबर एक पर खिचड़ी, और पूरे भारत में खाई जाती है। और दूसरे नंबर पर इडली है, इडली जो अभी आधे भारत में खाई जाती है, दक्षिण में तो पूरे में, आधे भारत, इडली। तीसरा है सांभर, चौथा है रसम, पांचवा है उत्तपम, और ये पूरी सूची है, 100 से ज्यादा वस्तुएं फास्ट फूड। तो फास्ट फूड भारत में भी है, बस आप उसको विभाजन ऐसा करिए, यूरोपियन फूड पिज्जा, इडली, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन। और एक चीज है जो आप बार बार ध्यान नहीं ला पा रहे, मैं बता देता हूँ, शरीर को गर्मी जरूरत से ज्यादा भड़काने वाली एक और चीज है आपके भोजन में, वो है मांस। आप क्योंकि खाते नहीं इसलिए आपके ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन भारत के भोजन में मांस जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार के आंकड़े हैं कि भारत के कतलखाने पहले विदेशियों के लिए चलते थे, अब उनकी जरूरत ही नहीं है, स्वदेशी लोग ही इतना मांस खाने लगे हैं कि उसकी पूर्ति नहीं हो रही। तो मांस हमारे शरीर में ऐसी ही एक वस्तु है जो जरूरत से ज्यादा हीट जनरेट करेगी, क्योंकि मांस को पचना उतना ही मुश्किल है जितना शराब को पचना होता है। इसलिए भारतीय भोजन में मांस तत्व का निषेध रहा है, प्रकृति में भी और हमारी संस्कृति। तो आप कहेंगे क्या भारत में करोड़ों साल किसी ने मांस नहीं खाया? हमारे यहाँ ध्यान ये रखिए कि आपके शरीर को संतुलन रखना है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। ऐसी स्थिति में कुछ चीजें वर्जित है, उसमें शराब है, मांस है, चाय है, कॉफी है, लेकिन अगर शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा हो गया है और उसको वापस गर्म करना है, तो मांस औषधि के रूप में इस देश में कुछ कुछ शास्त्रों में खाने का विधान है, सभी में वहां भी नहीं। जरूरत से ज्यादा ठंडा हो, अब उसको गर्म करना है, या तो ठंडा हो जाए तो हो जाने दो, मर जाने दो, खत्म हो गया काम, लेकिन अगर उसको बचाना है और जिंदा रखना है तो कुछ स्थिति में कहा गया है कि इस पक्षी का मांस या इस पशु का मांस इसको खिला दिया जाए, लेकिन अस्वस्थ होने की स्थिति में। भारत में सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे, अगर 1,00,000 पेशेंट को हम देखेंगे तो मुश्किल से 5 पेशेंट ऐसे आएंगे जिनका शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा होता हो, क्योंकि यहाँ जरूरत से ज्यादा ठंडा होने के लिए गुंजाइश नहीं है,
15 डिग्री के नीचे तो आपका तापमान कभी जाता नहीं है, और बाहर के तापमान से अंदर का तापमान अपने को लगातार संतुलित रखने की कोशिश करता है, इसी के लिए शरीर काम करता है, इसलिए ज्यादा ठंडा होने का गुंजाइश नहीं है। हाँ, भारत के कुछ इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर, वहां बहुत ठंडा हो सकता है क्योंकि -5, -6, -10 तक चला जाए, तो वो मांस खाएं तो कभी कभी उनके लिए काम आ सकता है। लेकिन नागपुर में रहने वाला कोई मांस खाए जहाँ +45 से भी आ गए तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो अब हम इसकी सूची ध्यान में रखते हैं, शराब, चाय, कॉफी, मांस, बहुत ज्यादा तीखे मसाले, ये सब वर्जित है हमारे आहार में। इसलिए भारत में बार बार कहा जाता है कि स्वस्थ रहना है तो सात्विक आहार लो, तामसिक नहीं, सात्विक। तामसिक आहार हमारे लिए वर्जित है, तो तामसिक आहार में ये सब आता है, मांस, मदिरा, मछली, कुछ भी तरह का मांस, कितनी भी तरह की उसमें तीखापन, मिर्ची वगैरह, ये उसका हिस्सा है। तो हम आहार के बारे में करें कि अब हमारे आहार में थोड़ी शुद्धि आए तो हम भारतीय बन जाए, मैंने ज्यादा गर्मी वाला खाना ना खाए, ठीक है। अब इसी में थोड़ा जुड़ा, ज्यादा ठंड वाला भी ना खाए जो शरीर को एकदम ठंडा कर दे। अब शरीर को एकदम ठंडा करें, ऐसी क्या चीज है जो आप भोजन में यूज कर रहे, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स, ये दो चीज है, या बर्फ, बर्फ के बने हुए कोई भी पदार्थ, आइसक्रीम से बने हुए कोई भी पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक से बने, ये शरीर को जरूरत से ज्यादा ठंडा ना कर दे, इसलिए इनका भी वर्जन। इसलिए भारतीय आहार में सॉफ्ट ड्रिंक्स और हॉट ड्रिंक्स दोनों ही प्रतिबंध, कोल्ड ड्रिंक्स और हॉट ड्रिंक्स। बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते। आहार की शुद्धि अगर हम कर लें तो संस्कृति हमारी काफी वापस आ जाए, माने भारत में आप रहते हैं तो भारत के ही भोजन उपयोग करना जो हजारों साल से चले आए, ये हमारे जीवन में आने चाहिए। अब आप बोलेंगे जी हमें पता ही नहीं है, इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में दादा दादी के साथ बैठ जाइए, नाना नानी के साथ बैठ जाइए, आपके घर में कोई भी बुजुर्गों के साथ बैठ जाइए जिनकी उम्र आपसे ज्यादा है, कम से कम एक पीढ़ी ज्यादा है, वो सब आपको लिस्ट बना देंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। उस पर मुझे व्याख्यान देने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके घर में दादा दादी नाना नानी है तो। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।